वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत सिंपल यमी और प्रेजेंटेबल डिजर्ट बनाएंगे, वेरी बजट फ्रेंडली, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉट है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें अब हम डालेंगे 1.5 कप दूध, चाहे कच्चा हो चाहे पका हुआ हो, कोई सा भी, हमारा तो पका हुआ ही होता है, तो वो दूध डाल दें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 5 टेबलस्पून शक्कर और थोड़ी सी खुशबू। तो यहाँ मेरे पास वेनिला पाउडर है, ये डाल देते हैं 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास एसेंस है तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास है 1/2 कप दूध, तो बेसिकली हमने 2 कप यूज़ किया है ऑल टुगेदर, तो 1/2 लीटर से ये डिज़र्ट बन रहा है। तो इसमें अब हम डाल देंगे लेवल 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नसूप बनाने वाला, और अगर ना हो तो कस्टर्ड पाउडर ले लें। तो ये अपने ठंडे दूध में डाल देंगे और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से घुल गया है, दूध को चेक कर लेते हैं, शक्कर को डिसॉल्व कर लेते हैं। तो दूध को थोड़ा गर्म होने देते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पॉट की तरफ, जो छोटा सा मुन्ना सा है, इसका भी चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 6 औंस वाला छोटा वाला पैकेट जेली का, स्ट्रॉबेरी है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और इसको जब तक हिलाएंगे जब तक के ये हमारी जो पाउडर है वो कम्प्लीटली घुल ना जाए। और अगर आपको जैसे मीठा ज़्यादा खाना पसंद हो तब इस पॉइंट पर आप 1-2 टेबलस्पून शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना इनफ है। तो ये पाउडर हमारा कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गया है। एक हाथ से कॉर्नस्टार्च वाला मिक्सचर डालेंगे, एक मरतबा हिला देंगे क्योंकि वो नीचे बैठ जाता है, हल्का हल्का डालेंगे, दूसरे हाथ से हिलाएंगे। इससे क्या होता है कि लम्स नहीं पड़ते हैं। आप इसको थोड़ा सा, बड़ा बजट फ्रेंडली है लेकिन इसको फैंसी तरीके से जमाने का ये तरीका है कि इसे हम ग्लासेस में जमाएंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास ग्लासेस है, मफिन की ट्रे होती है ना, मैंने पेपर टॉवल डाल के इस तरह से ये 1.5 ग्लासेस रख दिए हैं। और ये कस्टर्ड को हम निकाल लेते हैं अपने इस बर्तन में ताकि हमें पोर करने में ईजी रहे। झटपट ग्लासेस में पोर करते हैं। चार ग्लासेस जो है वो भर दिए। अब आपके ग्लासेस पर डिपेंड है, छोटे हैं बड़े हैं। अब इसे हम फ्रिज में रखेंगे, सेट होने के लिए रखते हैं। देखिए जेली को पकते हुए 5-6 मिनट हो गई है, तो बस इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और वो डिज़र्ट ठंडा होगा। तो मिलते हैं 30 मिनट्स के आसपास हो गए हैं, हमारी यहाँ जेली भी रूम टेम्परेचर हो गई है और हमारा कस्टर्ड भी सेट हो गया होगा, तो चले लेकर आते हैं। तो बस देखना ये है आपको कि ये सेट हो गया है, तो हमारा सेट हो गया है। तो अब जेली को ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी बर्तन में ताकि पोर करना ईजी रहे। आप ग्लास लेंगे और ये इस तरह से पोर करेंगे।
हमारा डन हो गया है, तो अब अगेन इसे हम फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। डेढ़ दो घंटे के आसपास हो गए, तो चले अपने डिजर्ट को लेके आते हैं। तो देखिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने थोड़ी देर के लिए रखा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो 3-4 घंटे रखें, ओवरनाइट रखें, तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको डेकोरेट करें जिस तरह से भी करना हो। मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी है, उससे मैं करती हूँ। तो देखा कैसे झटपट प्रेजेंटेबल सा हमारा बजट फ्रेंडली डिज़र्ट बन गया। और अगर आप चाहें तो छोटे छोटे ग्लास लें, ज़्यादा बन जाएंगे आपके और सर्विंग भी इजी हो जाएगी। मेरे पास जो थे वो मैंने ले लिए। मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग बताती हूँ कि लग कैसा रहा। हेवन, वैनिला की जो खुशबू आ रही है पुडिंग में से, और ठंडा ठंडा मज़ेदार सा, बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल डिज़र्ट ऐसा है कि मतलब माइंड ब्लोइंग, जैसे जिस सिंपल एंड वेरी स्वीट, परफेक्ट आप लोगों के लिए बाइट बनता है। कैसा जिगल हो रहा है। खतरनाक, मतलब जितना बजट फ्रेंडली इतना ही मज़ेदार है, इतना ही ब्यूटीफुल है। और मेहनत है ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे सेट होने के लिए, लेकिन मेरा भी अच्छा हो गया। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।